हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वीवो मोबाइल के ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस फीचर को इन्हें यूज करने के लिए दोस्त बहुत से भाई लोग हमारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज करते हैं, जिससे कि कॉल रिकॉर्डिंग हो सके। तो इस उनको शायद नहीं पता होगा कि ये सेटिंग जो वीवो के मोबाइल में इनेबल्ड आती है, आई मीन सिस्टम में ही आती है। तो उस सेटिंग को कैसे इनेबल कर सकते हैं, तो मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा ही ऐसी अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सेटिंग में जाना होगा। अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको एक सेटिंग मिलेगी, एप्लीकेशन एंड परमिशन, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे चौथे नंबर पर आपको एक सेटिंग मिलेगी, सिस्टम ऐप सेटिंग, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे की साइड में आपको सेटिंग मिलेगी फोन, तो फोन पे आपको क्लिक करना है। फोन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको चौथे नंबर पे एक सेटिंग मिलेगी, रिकॉर्ड सेटिंग, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट में आपको मिलेगा डोंट रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली, तो उस पर आपको क्लिक करना है। अगर वो आपका डिफॉल्ट रहता है तो दोस्तों इस पर होगा क्या, अगर इस पर आपका क्लिक है तो यहाँ पे कोई भी कॉल आपकी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड नहीं होगा, मैनुअली आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो दोस्तों बात करते हैं सेकंड नंबर की, तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों तो इस पर क्लिक करने से होगा क्या दोस्तों, सारी कॉल्स आपकी चाहे इनकमिंग हो चाहे आउट गोइंग कॉल हो, सारी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो बात करते हैं चौथे नंबर की, तो यहाँ पे चौथे नंबर पे आपको सेटिंग मिलेगी, रिकॉर्ड कस्टम कॉल ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आपको अगर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो कॉल है, आई मीन जिस नंबर को आप सिलेक्ट करेंगे तो उस नंबर पे ही सिर्फ आपकी ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड होगी। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करता हूँ। कस्टम पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नंबर ऐड करना होगा जिस नंबर पे आप कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चाहते हो। तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पे रिसेंट खुल जाएगा कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट पे सिलेक्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट पे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो भी नंबर पे आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हो, सिंपली यहाँ से वो नंबर चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नंबर चूज कर लेता हूँ, तो इस तरीके से आप भी नंबर चूज कर सकते हैं। नंबर चूज करने के बाद डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी जो सेटिंग है कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स आप अपने वीवो मोबाइल में इनेबल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर अच्छी अच्छी नॉलेजेबल जानकारी आपको मिलती रहती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।